जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिमाचल प्रदेश का नहीं है, हिमाचल प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए जो है सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शुरू कर रहा हूं। तो क्या है हमारे क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन, आंखों की पुतली यानी कि पपल का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? यानी कि हमारी पुतली के ऊपर जब आंख के ऊपर रोशनी गिरती है, यानी कि लाइट अगर ज्यादा गिरती है, कई बार कम गिरती है, तो उसको निर्धारित यानी कि उसको कम और ज्यादा कौन करता है, कौन उसको संतुलन मेंटेन करता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा आयरिस, यानी कि परितारिका। परितारिका जो है वो हमारी आंखों में रोशनी को क्या करती है? कंट्रोल करने का काम करती है। कौन करती है? परितारिका। आंखों से जुड़े हुए कुछ सवाल है, आंखों में क्या क्या सवाल आते हैं, बनते हैं। देखिए, ज्यादा रोशनी में जाने से पुतली का आकार छोटा हो जाता है। बोलते हैं कि भैया लाइट यानी कि कहीं पे वेल्डिंग लगी हुई है, तो वेल्डिंग के वक्त क्या बोलते हैं कि भैया इधर लगातार मत देखो। क्यों नहीं देखो? वो इसलिए क्योंकि उनकी पुतली का जो आकार होता है वो छोटा हो जाता है और कम रोशनी में आकर बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ी, मतलब जैसे कि अब आज बहुत ज्यादा लाइट थी, अचानक ही वो बंदा जो है वो क्या हो गया, ठीक है, वो कम लाइट में आया, तो हम क्या होते हैं, हमें हमारी पुतली का जो आकार है वो बड़ा हो जाता है। या धूप है, ठीक है, बाहर से आए धूप है, तो धूप से हम अंदर आते हैं कमरे में, तो हमें क्या लगता है, ठीक है, अंधेरा लगता है। तो वो भी हमारा किसके ऊपर है? पुतली की वजह से ही होता है, ठीक है जी। अगला आ गया नेत्रदान। जब हम आंख का दान करते हैं तो पूरा का पूरा आंख नहीं निकाल कर दे देते हैं, आंख का सिर्फ कॉर्निया ही निकाला जाता है, यानी कि कौन सा भाग निकाला जाता है, कॉर्निया को बाहर निकाला जाता है, डॉक्टर निकालते हैं। इसके आगे आता है मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। हमारी सामान्य जो है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस पाया जाता है मनुष्य की आंखों में। नेक्स्ट आते हैं, आंखों के रेटिना में बनने वाला प्रतिबिंब, जो हमारी आंखों में जो बनता है नेचुरली, क्या बनता है? शेडो बनती है। वो किसकी वजह से, कौन सी बनती है? एक वास्तविक यानी कि रियल और उल्टी इन्वर्टेड बनती है, वास्तविक और उल्टी बनती है। इसके बाद आ जाता है आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्थेमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्थेमोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल बनता है, आंखों के कॉर्निया भाग में रक्त नहीं पाया जाता, आंखों के किस भाग में? सवाल क्या बना? आंखों के किस भाग में रक्त नहीं होता है? तो कॉर्निया में कोई भी रक्त नहीं प्रवाह होता। आगे आता है मायोपिया, मतलब निकट दृष्टि दोष, मैं व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं। ये कहने का भावार्थ है इसका कि कौन सी बीमारी है जिस वजह से व्यक्ति निकट की वस्तु को तो यानी कि नियर विजियंस को जो है वो क्लियर देख रहा है मगर दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, तो वो व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित है? तो करेक्ट आंसर रहेगा मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। इसके बाद आया मायोपिया, निकट दृष्टि दोष के जो व्यक्ति हैं जो उससे ग्रसित है, यानी कि किसी को बीमारी लग गई है, निकट दृष्टि दोष हो गया है, तो वो कौन सा लेंस का उपयोग करे कि वो ठीक हो जाए? तो वो कौन सा लगाएगा? अवतल लेंस, यानी कि कनकेव लेंस का उपयोग करेगा, उस वजह से वो ठीक हो जाएगा। जैसे कि सभी अपने अपने स्पेक्स लगाते हैं तो वो सभी जो है वो उसको रिपेयर करते हैं, अपनी आंखों को रिपेयर करते हैं कि मेरे को प्रॉपर दिखे। तो जिसको निकट दृष्टि दोष होगा वो कौन सा लेंस लगाएगा? कनकेव लेंस लगाएगा, अवतल लेंस लगाएगा। दूर दृष्टि दोष होता है दूसरा, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं?
हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इस व्यक्ति को जो है दूर की वस्तुएं तो दूर की वस्तुएं जो हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दूर की वस्तुएं तो दिख जाती हैं पर निकट की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। वो व्यक्ति किससे ग्रसित है? वो है हाइपरमेट्रोपिया बीमारी से ग्रसित होते हैं, यानी कि दूर दृष्टि दोष, उल्टा बोलते हैं हर बार, याद रखिएगा इसमें उल्टा बोला जाता है। इसके बाद आ जाता है आंखों से ही जुड़ा है, दूर दृष्टि दोष से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है या इससे ग्रसित व्यक्ति जो है वो उत्तल लेंस लगाता है। कौन सा लगाता है? उत्तल लेंस का उपयोग करता है। इसके बाद आता है आंखों में आंसू, यानी कि जो हमारी आंखों में आंसू किस ग्रंथि की वजह से निकलते हैं? तो लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा जो है आंखों से आंसू निकलते हैं। किसी को अच्छे में खुशी के आंसू, किसी को गम के आंसू। इसी प्रकार से मैं और बता देता हूं कि 11 नंबर आप याद रख सकते हैं, जरा दृष्टि दोष होता है जो कि बुढ़ापे में आता है। बुढ़ापे में कैसे? किसी व्यक्ति को बूढ़े, जैसे जैसे एज होते हैं तो उन व्यक्ति को होता है, तो वो व्यक्ति बाईफोकल यानी कि द्वितीयक लेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद ध्वनि से जुड़े हुए सवाल है, तो देखिए ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? तो ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है डेसीबल। डेसीबल जो है वो ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है। तो मात्रक से जुड़े हुए ये सवाल है हमारे, बहुत ही अच्छे हैं। देखिए ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? तो डाप्सन में मापी जाती है। ओजोन परत किसमें मापी जाती है? डाप्सन में। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, एम्पेयर में मापी जाती है। विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? एम्पेयर में। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी को किससे मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। इसी प्रकार से विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे मापा जाता है? कूलाम में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? कूलम्स में मापा जाता है। ताप, ताप मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर को किससे मापते हैं? हम केल्विन्स में मापते हैं। किसमें मापते हैं? केल्विन में मापते हैं। ऊर्जा को किसमें मापते हैं? कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम, चुंबकीय अभिवाह, चुंबकीय अभिवाह का मात्रक है वेबर। क्या है? वेबर। तो मैंने अभी आपसे सवाल पूछा था कि ऊष्मा का मात्रक क्या है या ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो वो है कैलोरी। क्या है? कैलोरीज। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? कौन सी कमी के कारण जो है वो घेंगा रोग होता है? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आयोडीन। आयोडीन जो कि हमारे नमक में भी अब मिक्स किया जाता है, तो आयोडीन की कमी से जो है वो घेंगा रोग होता है। ये गॉइटर यानी कि हमारी कौन सी ग्रंथि में होता है? गॉइटर ग्रंथि में होता है। किसमें होता है? गॉइटर ग्रंथि में होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वो है चांदी, मगर हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कॉपर जो है वो सस्ता है और चांदी महंगा है, नहीं तो हमारे घरों की तो वायरें उखाड़ कर ले जाएंगे लोग भी, तो ठीक है, इसलिए चांदी का इस्तेमाल नहीं होता। पर चांदी जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिन सकते हैं। और पहली ऑप्शन आपकी ये होनी चाहिए, दूसरी ये लगाएंगे, ये सस्ते में कमर्शियल यूज के लिए। आगे आएगा मानव शरीर का ब्लड बैंक। हमारे शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? हमारे शरीर में ब्लड कहां पर एकत्रित रहता है या होता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा प्लीहा, स्प्लीन। क्या रहेगा? प्लीहा, स्प्लीन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट आएगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स का अनुपात कितना होता है या कितना है? तो करेक्ट आंसर रहेगा 600:1। याद रखिएगा 600:1। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कितने दिन तक जीवित रहते हैं? वो रहते हैं 120 दिन तक लगभग, ठीक है। और व्हाइट ब्लड सेल्स कितने रहते हैं? 3 से 5 दिन तक ही रहते हैं। याद रखिएगा इनका जीवन काल जो है वो कितने समय का है? 3 से 5 का, और जो आरबीसी का है वो 120 लगभग। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, शरीर में से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले
रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं, जो कि हमारे शरीर से खून को ले जा रही है उन रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं, शिराएं कहते हैं। क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर की शिराएं यानी कि आर्टरीज। यकृत का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि लीवर का काम क्या है? लीवर यानी कि कई व्यक्ति जो है उनका लीवर खराब हो जाता है, वो किस वजह से होता है? क्योंकि वो गलत चीजों का पाचन करते हैं, यानी कि खाते हैं। तो पाचन तंत्र को जो है हमारा लीवर संभालता है, तो लीवर में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो बहुत ही व्यक्ति के लिए जो है यानी कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक रहती है। आगे आता है, वे आकर्षण बल करा है जिसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। वे आकर्षण बल कौन सा है, कौन सा होगा? यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, कौन सा है जिसे पृथ्वी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो करेक्ट आंसर रहेगा गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ग्रेविटेशन जो है वो अपने तरफ जो है वो किसी भी वस्तु को अट्रैक्ट करती है यानी कि खींचती है। गुरुत्वाकर्षण बल के नियम का प्रतिपादन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नियम है यानी कि सिद्धांत है, ये किसने दिया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है न्यूटन ने। न्यूटन ने अपने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे, याद रखिएगा। और न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? तो करेक्ट आंसर रहेगा बैरोमीटर से। बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है। अगर बैरोमीटर डायरेक्ट नीचे को गिर जाए तो वो किसका संकेत होता है? वो होता है तूफान का। किस चीज का? तूफान का। और अगर बैरोमीटर आराम आराम से उठे तो वो किसका संकेत होता है? अच्छे साफ मौसम का। किसका होता है? अच्छे साफ मौसम का होता है। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है? ऑडियोमीटर। किससे मापा जाता है? ऑडियोमीटर से जो है ध्वनि की तीव्रता यानी कि द स्पीड ऑफ साउंड किसको मापते हैं, कैसे मापते हैं? ऑडियोमीटर से। तो कुछ मुख्य यंत्रों को मैं बताता हूं कौन किस किस से जुड़े हुए हैं। देखो, ऊंचाई से कौन सा जुड़ा है? अल्टीमीटर। किसी चीज की पहाड़ की हाइट निकालनी है या किसी के हमने ऊपर जहाज उड़ रहा है तो किससे निकालेंगे? अल्टीमीटर से निकालेंगे। किसी की भी हाइट ऊंचाई कैसे निकालते हैं? अल्टीमीटर से। अगला आता है वायु के बल या गति, कितनी स्पीड से हवाएं चल रही हैं तो किससे निकालेंगे? एनीमोमीटर से। किससे निकालते हैं? एनीमोमीटर से जो है स्पीड निकाली जाती है। नेक्स्ट आता है वाहन के त्वरण, एक्सेलरेशन। किसी भी वाहन की एक्सेलरेशन निकालनी हो तो एक्सीलरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? एक्सीलरोमीटर का। हृदय की गति को किससे मापा जाता है? कार्डियोग्राम से। किससे मापा जाता है हृदय की गति को? कार्डियोग्राम से, या ग्राफ भी आता है कई बार ऑप्शन में, ग्राम या ग्राफ एक ही बात है। नेक्स्ट आ जाता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कौन बदलता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा इलेक्ट्रिक मोटर। कौन बदलता है? इलेक्ट्रिक मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसके बाद और बताता हूं मैं, शरीर के अंदर की संरचना यानी कि हमारे शरीर के अंदर अंदर के भाग में क्या हुआ है, या विकार यानी कि कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको हम कैसे देखते हैं? एंडोस्कोपी से। यानी कि एंडोस्कोप हमारे मुंह की अंदर जो है फाइब्रिक पाइप डाली जाती है कैमरे के साथ, फिर उससे चेक किया जाता है। समुंदर की गहराई को किससे मापा जाता है? फैदोमीटर से। समुंदर की गहराई को किससे मापते हैं? फैदोमीटर से। नेक्स्ट आता है द्रवों की अपेक्षित घनत्व यानी कि डेंसिटी को किस यंत्र से मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वायुमंडल की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी,
जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है, चिपचिपाहट जैसे हम बोलते हैं आजकल बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, वो क्या है, हाइग्रोमीटर से मापा जाएगा कि आजकल ज्यादा है या बरसात के समय में वैसे ज्यादा होती है। दूध की शुद्धता को किससे मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता को मापते हैं। इसी प्रकार से है गैसों के दाब को किससे मापा जाता है, दाब मापी से। ये सभी के सभी बच्चों हम आपने एक एक नोट कर लेने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं और यही क्वेश्चंस जो हैं आपको पेपर में अगर यंत्रों से जुड़े हैं तो यहीं से आपको आ जाएंगे। ध्वनि की तरंगों को विद्युत तरंगों में, ठीक है, यानी कि उस संपेदनों में परिवर्तित कौन करता है, माइक्रोफोन, यानी कि जो साउंड है हमारी हेलो हेलो फोन पे करते हैं तो वो आगे चला जाता है, तो माइक्रोफोन उसको जो है कन्वर्ट कर देता है किसको, विद्युत तरंगों में, किसमें, विद्युत तरंगों में। मोटर गाड़ी की जो गति है यानी कि गाड़ी की स्पीड, जैसे कि पुलिस वाले जो लगा के बैठे होते हैं तो क्या लगाया होता है उन्होंने, ऑडोमीटर लगाया होता, क्या लगाया होता है, ऑडोमीटर। अब तो हाईवेज पे भी लगे रहते हैं, हर जगह पे लग रहे हैं। झूठ का पता लगाने के लिए, यानी कि कभी किसी ने कोई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है उसका पता लगाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पॉलीग्राफ का, किसका इस्तेमाल करेंगे, पॉलीग्राफ का। नेक्स्ट आता है भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। पर कई बच्चे जो हैं वो रिएक्टर स्केल को टिक लगाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। रिएक्टर स्केल जो है वो उसकी यूनिट है, पर मापने का जो यंत्र है वो हमारा क्या रहेगा, सिस्मोग्राफ। इसके बाद आ जाता है मानव की धमनियों, यानी कि हमारे आर्टरीज में जो बह रहे हैं, रक्त का दाब मापना हो तो किससे मापा जाता है, सिफ्गनोमैनोमीटर से। किससे मापा जाता है, सिफ्गनोमैनोमीटर से। फेफड़ों तथा हृदय की धड़कन की सुनने के लिए डॉक्टर ने भी लगाया होता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप, क्या बोलेंगे, स्टेथोस्कोप। आगे आ जाता है वर्षा, यानी कि बारिश को अगर हमने मापना है तो रेन गॉज बोलते हैं उसको, तो उसको हम यूडोमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूडोमीटर से भी मापा जाता है। अगला आ जाता है ईईजी। ईईजी जो है मस्तिष्क से जुड़ा है, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रो स्पेक्लोग्राफ। क्या है, इलेक्ट्रो स्पेक्लोग्राफ। जीवों की वंश परंपरा, यानी कि कोई भी जीव है, यानी कि इंसान है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की बात करें, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं जीनेटिक्स। क्या कहते हैं, जीनेटिक्स कहा जाता है कि जीन्स जो है वो पिता के जो है वो पुत्र में आते हैं, वो परंपरा को। तो ये विज्ञान की शाखाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो इनको भी आप याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। पहली है अंतरिक्ष में यात्रा करने से संबंधित अभिनियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि अंतरिक्ष में जो है से जितने भी यात्रा कर रहे हैं उनके उनके जो है संबंधित अभिनियमों को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉटिक्स कहा जाता है। पुरातत्व संबंधी जो है विभाग जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑर्कियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्कियोलॉजी जो है पुरातत्व विभाग, जैसे कि हमारे पुरातत्व विभाग के पहले अध्यक्ष कौन थे, कनिंघम थे। कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, पुरातत्व विभाग के। तो उस विभाग के से जो संबंधी यानी कि कोई भी चीज को हमने निकाला तो ऑर्कियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है पक्षियों की प्रजातियों या प्रकृति का खान पान वितरण तथा जनन संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी संबंधी अध्ययन को, यानी कि मिट्टी के बारे में अगर हमने स्टडी करनी है तो पेडालॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेडालॉजी या एडाकोफ्लोजी कहा जाता है, एडाफ्लोजी कहा जाता है। क्या कहा गया, एडाफ्लोजी। इसके बाद आ जाता है हमारा जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कि किसी शहर में कितनी जनसंख्या बढ़ी है, किस देश में कितनी जनसंख्या बढ़ी है,
तो डरमे या डेमर डेमोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? डेमोग्राफी। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी क्या कहा जाएगा? सेलेनोलॉजी। जीव जंतुओं के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? जूलॉजी। जीव जंतुओं के जो बारे में स्टडी करते हैं वो क्या बोलते हैं? जूलॉजी। या विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? बायरोलॉजी, यानी कि बायरोलॉजी याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है रेशम के कीड़ों को पालने या उत्पादन या उनकी विधियों को के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे पटवारी की परीक्षा के लिए और हिमाचल पुलिस के लिए और अग्निवीर के लिए कि रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सेरीकल्चर इसका आंसर रहेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आप इसमें अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा इसी चैनल पर विजय पथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।